ऐसा है कि लोहारू पीछे नहीं जाएगा, लोहारू आगे चलता रहेगा, रफ्तार थोड़ी सी पड़ गया, इससे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। या भी रफ्तार में थोड़े दिन का झटका है, चिंता ना करो। थोड़ा सा शांति रखो, अरे रफ्तार फिर दोबारा शुरू हो जाएगी। हमने किसी का बुरा नहीं करना, लेकिन हमारे कार्यकर्ता की तरफ तो हमें उठा कर देखने नहीं दूंगा मैं। बिल्कुल बहुत 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 सारे आदमी जो अपने साथ थे वो छोड़ गया, फिर कोई दो दिन पहले छोड़ गया, कोई तीन दिन पहले छोड़ गया। और ये जरूर है कि पहले जितनी ताकत नहीं है, ताकत का फर्क तो पड़ जाता है। लोग अंदर की व्यवस्था है, जो जीता है जीता है, जो हारा वो हारा, चाहे एक वोट की जीत हो चाहे एक वोट की हार हो। तो ऋषियों ना काम तारे पूरे कराऊंगा, हर तारे छोड़ूंगा, जो हारो हल्के का हक 90 के 90 हल्कों में कम नहीं होने दूंगा मैं। तो आपसे ये वादा करता हूँ, छोड़ के जाता नहीं। पहली बात तो ये है कि कोई भी चेहरा मायूस ना रखो, क्योंकि पिछली बात सोचने की बजाय जिंदगी वो है कि आगे का सोचो, और भविष्य जो है हमारा उज्जवल है। क्योंकि बड़ी लड़ाई जो थी प्रदेश के अंदर सरकार बनाने की, वो हम जीत गए। छोटी मोटी चीज तो हर ऐसा है, थोड़ा बहुत 19-21 होता रहता है। मेरा जहां तक ख्याल है कि अपने में कभी किसी चर्चा नहीं थी कि हरियाणा में सरकार बन जाए। मैं बहुत समझा करता कि बनेगी बनेगी सरकार, क्योंकि मुझे भरोसा था कि आम आदमी गरीब आदमी जिसकी कभी सरकारों में सुनवाई नहीं हुई उसको हक मिलने लग गया, उसकी सुनवाई होने लगी, वो जरूर वोट देगा। और उसने वोट दिया भी है पूरे प्रदेश में। यही वजह है कि पूर्ण बहुमत की सरकार हमारी आई और जो लोगों का भरोसा दोबारा से जागृत हुआ। अपने यहां मैं कहता हूं कि आप लोगों ने खूब जबरदस्त काम किया, कभी रही तो नहीं रही। मैं अगर रोज 3-4 घंटे और ज्यादा काम कर लेता तो मैं ही पूरे कर देता वोट को। लेकिन मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी कोरोना के बाद, मैं अभी भी ढीला सला है, मैं चाहे भी नहीं कर पा रहा था। लेकिन ये जो होना हुआ वो है, मैं तो एक चीज कहता हूं कि हमने यहां कोई निजी हित की राजनीति के लिए मैं नहीं आया था, मैं सारे इलाके को ऊपर उठाने के लिए आया था। और आप देख रहे होंगे कि चुनाव हारो या जीतो, आज भारतीय जनता पार्टी के जितने कार्यकर्ता है आप देखोगे, कई ब्लॉक के इतने जबरदस्त कार्यकर्ता आप देख रहे हो, हर आदमी है, हर आदमी सोचता है कि मेरा भी सरकार में हिस्सा है, हर आदमी सोचता है कि मैं भी अपना हक दे सकता हूँ। तो एक सोच बदलने की, एक व्यवस्था परिवर्तन की जो लड़ाई थी वो एक दो कदम और आगे चले। ये सच्चाई है कि आजादी के बाद वोट पड़न आगे काम कर ले एक चौधरी हो गया, तो 5 कर ले एक चौधरी हो गया, वो ही वोटों का फैसला किया करता, वो ही आपको सरकार का लाभ दिलवा करता। अब धीरे 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 करके ये सोच बदलती जा रही है, और हमारी सरकार ने पूरी कोशिश की कि पोर्टल बना करके, हालांकि उसमें चलान में थोड़ी दिक्कत आई, कुछ CSC वाले ने थोड़ी कन्फ्यूजन पैदा किया, लेकिन जो नीति बनाई थी उसका मतलब यह था कि हर आदमी किसी पर डिपेंडेंट ना हो, हर आदमी को अपने हक का पता हो, हर आदमी को उसका हक मिल जाए। और ये विकसित राष्ट्र है दुनिया भर के, वो इसी तरह से सीधा उनको लाभ मिल जाता है। मैं 25-30 साल पहले जब गया था अमेरिका में, जब मैं पूछता था उससे किसी घरों के में इतने बता देते मेरे कौन है, तारा कहता मुझे पता नहीं कौन है, मैंने कहता है तू कुछ कोई काम नहीं पड़ता, कहता कभी काम नहीं पड़ता, कहता हमारा तो एक कंप्यूटर से हो जाता है जो काम करना हो। तो ये
नीति हमने लागू की उसका धीरे 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 करके सही परिणाम आना शुरू हुआ है राज्य आरोग्य का। मैं तो एक चीज कहता हूं कि यहां भी आप जीत जाते हैं, लेकिन हमारे कुछ लोग जो है समाज हित के बजाय व्यापक हित को छोड़ के निजी हित को पड़ गए, वो सोचने लगे भाई कि सबको मिलने से मिले है मुझे अलग मिलना चाहिए। बहुत सारे आदमी जो अपने साथ थे वो छोड़ गया, फिर कोई दो दिन पहले छोड़ गया, कोई तीन दिन पहले छोड़ गया। उनके कंसर्न ये हो गए भैया सरकार दूसरी पार्टी के बनाएंगे तुम भी चले जाओगे, अरे गलत घाटी में चढ़ गए आप जब जाके उतरे तो बेदार कर तुम जाना ना बम्बई पूछ के कलकत्ता। वो भी हाल उसके दिन परेशान है, उनके विषय में जारी देखा उनके ज्यादा परेशानी है। अपन तो अपने धर्म पर है, ईमानदारी पर है, सच्चाई पर है, अपन को गलत काम नहीं किया। और आप लोगों को कोई भी चीज है अच्छा ही थोड़ी जरूरत नहीं है। पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि मैं कहीं जाने वाला नहीं हूं, से तो फर्क नहीं पड़ता। आपने देखा पहला वोट में 600 कुछ वोट से हार गया था पहला चुनाव, दूसरा फिर हार गया, चार चुनाव लड़े हैं मैं तो एक बार जीता हूं। और उस जीत में आपको जो सरकार का मजा मिलने लग गया था, आम आदमी तक किसका फायदा हुआ, शिवानी में, बहल में, लोहारू में हर हफ्ते कोई कमिश्नर कोई बड़ा अफसर आया करता, बहुत सारे दफ्तर खुले और हर आदमी छाती ताड़ के चला करता, कोई डरता नहीं था भाई किसी अधिकारी से, क्योंकि अधिकारी को ये पता होता था भाई घर आदमी इसी दीपों से है, उसी दीपों से आप लोगों को फायदा मिला है और उसका फायदा मिलना भी चाहिए लोकतंत्र में। तो मैं एक चीज आपको बताता हूं कि जो मेरी योजनाएं हैं पानी की, बिजली की, मुआवजे की, बीमे की, किसान के हालत सुधारने की, मजदूर के हालत सुधारने की, वो योजना पे ध्यान देता रहूंगा। और ये जरूर है कि पहले जितनी ताकत नहीं है, ताकत का फर्क तो पड़ जाता है, लोकतंत्र की व्यवस्था है जो जीता हो जीता है, जो हारा हो हारा, चाहे एक वोट की जीत हो चाहे एक वोट की हार हो। लेकिन मैंने बगैर एमएलए रहते भी बहुत सलाही है, बगैर एमएलए रहते भी इलाके में बहुत काम किया है और अभी भी, अब तो मैं पुराना मंत्री हो गया तो उसने फास्ट वे कराऊंगा सीताराम। तो पहली बात यह है कि जो तारे हो आज की उदासी इसे बिल्कुल छोड़ दो और एक ताने ना मारो, जो चले गए उन पर भी ना मारो, क्योंकि ये लोकतांत्रिक व्यवस्था ऐसा है आदमी जरूरत फिर पड़ेगी, इसका कोई इलाज नहीं है। सब तरह के आदमी हो है, घरे तोड़ी हो है, हमने तो ये छोड़ दो, हमने ऐसा भी चुनाव देखा है कि एक एक दिन में एमएलए साथ करके लड़े हैं, एक दिन में एमएलए एक बार इधर गया, दूसरी बार उधर गया, तीसरी बार उधर गया, चौथी बार इधर गया, ऐसा भी बड़ा हुआ है। तो लोग बदलते रहते हैं, स्थाई कुछ नहीं है। तो कोई ताने ना मारो, एक मेरी प्रार्थना है कि आपस में जो है एक दूसरे पर कटाक्ष ना करो, सब ने काम किया है, कोई थोड़ा करता है कोई ज्यादा करता है, और ब्लेम देना है तो कार्यकर्ताओं में या एक को छोटा बड़ा कोई नहीं है, ब्लेम तो मेरा होगा। अगर किसी कार्यकर्ता में कमी है आधा बड़ा रखा तो कसूर मेरा है, आपका नहीं है। और उसको धीरे धीरे करके ठीक करेंगे, कमी भी हो जाती है। इतने आदमियों को संभालना, उनके मन को पढ़ना, जनता की इच्छा के हिसाब से चलना, थोड़ी सी दिक्कत तो आती है। तो आप लोग, मैं कहता हूं कि खूब खुशी खुशी बनाओ 5 साल, ये बड़ा कमाल की बात हुई है कि तीसरी बार सरकार बनी है, ये सारा देश चकित है, हरियाणा जैसा प्रदेश, और सारे मीडिया वाले, सारे सट्टा मार्केट वाले, सारे यूट्यूबर बड़े होकर ला गए थे जैसे कि वही सरकार बनाओगे। और ये जो आजकल युद्ध चल रहा है ना कि लोगों का दिमाग पलटन का,
अपने आप ज्ञानी हो रहे हैं, अपने आप फैसला कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों को भ्रमित नहीं होना है। हमने अच्छे काम करने हैं, हमने इलाके की तरक्की करनी है। आम आदमी की जो अपेक्षाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, आने वाली पीढ़ी है उसको इस लायक बनाना है कि वो दुनिया के किसी भी कोने में कोई रहता है उसे ही सपने देख सके, वैसे सुख सुविधा ले सके, वैसे दुनिया से कंपटीशन कर सके। आने वाले 10-20 साल जो है वो सारी दुनिया में एक होता जा रहा है। और खुशी की बात यह है कि भारत में इस वक्त हमारा नेतृत्व है वो बहुत तगड़ा है, बहुत जबरदस्त है। दुनिया में कहीं युद्ध चल रहा है, कहीं ईरान का, कहीं दूसरे देशों का, कहीं इजराइल का, तो इस वक्त हमारा मजबूत नेतृत्व है। हरियाणा ने ये कमाल किया कि थोड़ी सी जो लगी थी कि लोगों में कमजोरी आई थी देश में, भाई भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा में सीट कम होगी, जब सरकार ने लिस्ट जारी कर देंगे, सरकार ने चालू खोल देंगे, हरियाणा के मतदाता ने ऐसा कमाल किया है कि सारा देश में हरियाणा की तारीफ हो रही है। क्योंकि जब देश को रास्ता दिखाने की जरूरत थी हरियाणा ने दिखाया है और ये साबित कर दिया है कि आने वाले कई साल तक इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी की काम सरकार रहेगी, भारतीय जनता पार्टी सेवा करेगी। और हरियाणा ने ये भी दिखाया है कि वे नीतियां बना के काम होंगे, गरीब का, कमजोर का, दलित का, मजदूर का, सबके साथ लेके चलने के काम होना चाहिए, ये भी हरियाणा ने दिखाया है। कांग्रेस पार्टी ने पूरे षड्यंत्र के क्या किया कि जात को बांट दो, भड़का दो, बहका दो, कभी किसान के नाम पर, कभी संविधान के नाम पर, कभी किसी नाम पर, और बहुत तरह तरह के षड्यंत्र किए हैं। और खुशी की बात यह है कि जनता इतनी समझदार होगी, खासकर हमारी जो युवा पीढ़ी इतनी समझदार होगी, जो आज मेरिट का समर्थन कर रही है, लियाकत का समर्थन कर रही है, विकास का समर्थन कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी में खास बात यह है, वो एक काम करता है, काम करने वाले मौके बनाते हैं। मंत्री हो, MLA हो, कोई सुख भोगने के लिए नहीं हमें। मैं तो एक चीज के तो मेरे थोड़ा सा आराम मिल जाएगा, 5 साल से बहुत बुरी तरह फेल रखा था, आप भी पहले रखा करते, हरियाणा वाले पहले रखा करते, पार्टी वाले पहले रखा करते, थोड़ा सा मुझे ये चैन है भाई, शादी ब्याह में कमा पाऊंगा, इसके लिए मैं एक छोटे ड्यूटी लगा दूंगा, इस बात को तो रुचि होना, काम कार्य पूरे कराऊंगा, हक कार्य छोड़ूंगा, जो हरों हल्के का हक 90 के 90 हल्कों में कम नहीं होने दूंगा। मैं तो आपसे ये वादा करता हूँ, छोड़ के जाता नहीं और छोड़ के जाऊंगा भी तो धर्म बना के जाऊंगा, पूछ के भाई किसने बनाना चाहो, ऐसे भागना बना दूंगा। खूब खुशी मनाओ, सरकार आपकी है, जीत आपकी है, और आगे भी आपके बीच में आते जाते रहेंगे। किसी भी तरह से मायूस होने की जरूरत नहीं है, किसी भी तरह से कमजोरी दिखाने की जरूरत नहीं है। पर मेरी यही प्रार्थना है कि एक होके रहे, संगठित होके रहे, आपस की जो कंपटीशन है ना इसने थोड़ा सा कम करो, कहीं हो जाता है भाई, आज ये माइक पे आ गए साहब तुझो बड़ा हो गया, ऐसा कुछ होता है इस वक्त, कभी कोई बाबूलाल आ जा, कभी तीसरा आ जा, कोई चौथा आ जा, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, ये हमारा परिवार है राजनीतिक परिवार, और ये राजनीतिक परिवार में सारे लग रहे हैं, जहां ऊपर बैठे नीचे बैठे सबके हित के लिए काम करते हैं। कोई ये नहीं कि एक आदमी के हित की लड़ाई लड़ रहे, ये मेरा भी स्वभाव नहीं है किसी एक आदमी के हित की बात करूं, सबके हित की बात करते हैं, और ये कहना भी चाहिए। इसी तरह से अगर हम आगे बढ़ेंगे तो जो आदमी की इच्छा है मेरा ही होना चाहिए, मैं कहता हूं उसका भी होगा, सबका होगा, सारे आगे बढ़ेंगे, सारे सुख से बसेंगे, सब तरक्की करेंगे, सबके सपने पूरे होंगे, इस भाव से हम काम करेंगे। अगर हम संगठित हैं, अगर हम यूनिट टीम बना के रहेंगे, तो मैं समझता हूं कि हम सही रास्ते पर चलते रहेंगे तो समाज में हमारी इज्जत बढ़ेगी, हमारा पार्टी आगे बढ़ेगी, हमारा देश आगे बढ़ेगा, हमारा शिवानी आगे बढ़ेगा। और
खुशी की बात यह है कि बहुत आदमी सपने देखा करते हैं कि भाई तो गरीबा की नौकरी में खा जाएंगे, खानेदार लगाएंगे। कई आदमी ना पलटते ना रखे थे हमारा सूद बैठे इस पर कब्जा करेंगे, कोई कभी कभी जो सोच रहा था इससे पीड़ा। हमारी ये सोच नहीं है, हमने किसी का बुरा नहीं करना, लेकिन हमारे कार्यकर्ता की तरफ तो उंगली उठा के देखने नहीं दूंगा मैं। बहुत बहुत पहली बात तो रिजल्ट ऐसा आ गया कि वो वैसे मुझे बड़े सारे जीतने वाले जीत के भी हार रहे हैं, उनके समझ में नहीं आता भाई क्या कहे। उनके जो सपने थे उनमें कोई दम रहा नहीं, वो गुमराह हो गए थे। कई तरह के आदमी होते, एक तो टिकाऊ आदमी वो है जो लंबी सोच सा करता है, एक जो होता है कि बहुत जल्दी बस जल्दबाजी करिया, कभी इस घोड़े पर चढ़ जा कभी उस घोड़े पर चढ़ जा, ये जल्दबाजी करिया ना भाई वो उल्टे तो होंगे। देखो तुमने को हारना दो, रोका नहीं करते राजनीति में, ये ठीक है निगाह रखेंगे लेकिन अपना लोकतंत्र के अंदर, लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए। पीछे कौन नहीं जाना तुम जनता ऐसा है कि लोहारू पीछे नहीं जाएगा, लोहारू आगे चलता रहेगा, रफ्तार थोड़ी सी फर्क पड़ गया इससे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, या भी रफ्तार में थोड़े दिन का झटका है, चिंता ना करो। शांति से बना के रखो, कोई ताने ना मारो किसी पर कुछ ना कहो, और धीरे धीरे करके जो तुमने सपने दे रखे हैं वो पूरे करूंगा मैं जितने करता हूँ। और मेरा एक स्वभाव है किसी ने थोड़ा डांट देता हूँ, क्योंकि जो ताकत है उसको पॉजिटिविटी काम में लगाए, सकारात्मक काम में लगाए, किसी का नुकसान क्यों करा फायदा ही करा। और ये जो कट्ठे में लिखे संगठन बना के हम आगे चलाएंगे तो निश्चित तौर पर जो है लोहारू का एक आदर्श हल्का बनाएंगे, और यह लड़ाई जो है हमारी अगली पीढ़ी की है उसके सपने पूरे करेंगे, मिलजुल के रहेंगे। सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और सबने भाई पूरी मेहनत करी है, छोटे छोटे कार्यकर्ताओं ने दिन रात किया, बहुत वोट दिए, वैसे हिसाब लगाया जाए तो 70% जीतनिया तो फालतू वोट आ रहे तारे। इतने वोट दिया आप लोगों ने, इसका जनता का भी धन्यवाद करो, और जो ना दिए उसका भी धन्यवाद करो, नहीं तो भाई तुम फिर उल्टे आ जाओ, क्योंकि लोकतंत्र के अंदर सबको साथ लेके चलने में ताकत होती है, सबको साथ लेके चलेंगे। धन्यवाद जी।